नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। द फुल वॉल्यूम की टीम आज पहुंची है बापू सभागार में, जहां कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार की ओर से ऑक्टेव 2019 का आयोजन है। मेरे साथ यहाँ मेघालय से निमोन बैठी हैं। आप देख सकते होंगे यहाँ पे सारा सामान बैम्बू से बनाया गया है, जो कि हाथों से बनाया गया है। तो आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने कैसे बनाया और इसके पीछे की कारीगरी में कितनी मेहनत लगी। स्वागत है मैम आपका। ये सारा सामान आपने बनाया है? हाँ जी। कैसे में बनाते हैं वो? घर घर में बनते हैं ये, मतलब कल्चरल जैसे हो गया हम लोग का, जो घर घर में हर घर में बनते हैं ये सब सामान। तो हाथ का बनाया काम है और ग्रीन बाम्बू है, नेचुरल ग्रीन बाम्बू है ये। और इसका टाइम लगता है एक सामान में, मतलब कम से कम एक हफ्ता, कभी कोई दो तीन दिन में ऐसे लग जाता है बनाने के लिए। तो मैम आपको क्या लगता है कि मार्केट में लोग इन हाथ से बनाए हुए चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं? हाँ जी, इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि हाथ का बनाया काम है तो आदमी पसंद करता ही है, क्योंकि इसमें मतलब ड्यूरेबिलिटी भी है सामान का और वॉशेबल भी है ये सब प्रोडक्ट में। तो मैम इन सब की रेंज क्या है, मतलब कहाँ से शुरू और कहाँ पे खत्म? रेंज है 100 से लेके 50 से लेके 400 तक है। थैंक यू मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। हमारे साथ यहाँ खड़े हैं जॉन अरुणाचल प्रदेश से। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर हाथों से बनी हुई मालाएं और गहने यहाँ पे हैं, जो कि हमें अरुणाचल प्रदेश का कल्चर, वहाँ की संस्कृति को दिखाते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत कैसे की और कैसे बनाया। स्वागत है सर आपका। तो इसमें मुझे यहाँ पे सारे गहने दिख रहे हैं, लेकिन नाम किसी का नहीं पता, तो आप मुझे इन सारे गहनों से इंट्रोड्यूस करवाइए। ओके, ये है गोल पोता, इसको हम लोग गोल पोता कहते हैं। ये हम लोग का परंपरा, हम लोग का लड़कियाँ लोग पहनते हैं इसको स्पेशल है। और उसके बाद इसको हम लोग हिंदी में कंगन ना, कंगन कहते हैं, लेकिन हम लोग का उधर में इसको लकब कहते हैं, लड़कियाँ लोग इसको पहनते हैं। और इसके बाद ये है हम लोग का वहाँ का ट्रेडिशनल ज्वेलरी, जो स्पेशली लड़का लोग पहनते हैं इसको, इसको बोलते हैं दूदाप कहते हैं। ये एक है, ये भी हम लोग का वहाँ का लड़कियाँ लोग पहनते हैं, इसको सोंदरोंग बोलते हैं, इसका नाम है सोंदरोंग। ये जस्ट हम लोग का ये अभी जो कल्चरल जैसे डांस वगैरह ये सब करते समय पहनने के लिए ये जस्ट सिंपल बनाया है, लेकिन इसका ओरिजिनल चांदी से बनते हैं हम लोग का वहाँ पे।
लाइक दिस यू कैन वेयर एंड हाँ एंड यू कैन वेयर लाइक दिस ऑल्सो इट्स अप टू यू एंड हम लोग का वहाँ पे एक गले है जो नीचे में पहनते हैं इसी तरह उसके उसका नाम है जैसे गप्पा गले बोलते हैं उसका डिज़ाइन में इसको बनाया है जब वो गले को पहनते हैं जो नीचे में पहनते हैं इसको लड़कियाँ लोग पहनते हैं गला में और ये है हम लोग का वहाँ का गला ये लड़कियाँ लोग जो पहनते हैं ये देखिए ये सब हैंडलूम है ये देखिए ऐसे करके पहनते हैं तो ये कौन से कपड़े का होता है कॉटन 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 है अच्छा कॉटन हाँ ये कॉटन से बनते हैं इसको लड़कियाँ लोग नीचे में बांधते हैं इयररिंग्स है हाँ ये इयररिंग्स है इसको हम लोग और ये सारा जो ये सब इयररिंग्स है ये सब भी हाथ से बने हाँ ये सब जी ये सब हाथ से बनाया है ये सब माला है छोटा छोटा माला ना उसको हम लोग हाथ से बनाते हैं ये देखिए 150 ये देखिए तो ये सच में देखने में बहुत सुंदर हाँ। लग रहा है तो आखिर ये कितने दिन में बनता है अगर मानिए हम एक इयररिंग्स बनाएंगे तो ये कितने दिन में बनेगा ये आप जैसे सुथा ये सब ये करके ये दो दिन में बनते हैं अच्छा। ये जूरा जो दो दिन में बनते हैं और इसकी प्राइस क्या है इसका प्राइस 150 ओनली तो आप इन सब का रेंज बताइए कि ये सब कहाँ से कितने रेंज से शुरू और कितने रेंज से खत्म मतलब कितने रेंज पे जाके खत्म है ओके ये मिनिमम हम लोग का ये जैसे कि ये ज्वेलरी से लेकर ये 150 से मिनिमम 150 है वहाँ से लेकर जितना आपका ये जो बीट्स यूज करते हैं उसका हिसाब से प्राइस जो होता है जैसे कि 2000 2500 3000 इतना तक भी आते हैं और ये आप एक देखिए ये है ये भी एक सिक्का से बनते हैं सिक्का का वो कॉफी है ये इसको तांपिलांग बोलता है तांपिलांग इसको लड़कियां लोग पहनते हैं ये सब तांपिलांग और ये जो उलेन रस्सी है वो लगाते हैं और ये ऊपर में बीट्स लगाते हैं अच्छा। जो भी आप स्टोन का भी मिलने से भी लगा सकते हैं और ग्लास बीट्स भी लगा सकते हैं तो इसमें इसकी प्राइस क्या है इसका प्राइस 2500 और आपने बताया कि ये सारे जो है वो बीट्स से बने हुए हैं तो ये सारे नॉर्मल बीट्स होते हैं या आप लोग इसको स्पेशली कहीं से मंगवाते हैं हाँ कहीं से मंगवाते हैं ये हम लोग का वहाँ में फैक्ट्री है वहाँ में हम लोग डिज़ाइन दे के ये बीट्स चाहिए ये इसके लिए बीट चाहिए वो उस हिसाब से हम लोग मंगवाते हैं उस हिसाब से वो लोग फैक्ट्री लोग बना देते हैं अच्छा अच्छा जॉन आपने मुझे जो ये पहनाया इससे क्या बोलते हैं इससे ये जस्ट हम लोग का अभी मॉडर्नाइज का वो बीट्स है जस्ट ये ग्लास बीट्स है इसको हम लोग जस्ट जो जैसे पब्लिक जैसे कस्टमर लोग जैसे पसंद है उस हिसाब से हम लोग इसको बनवाते हैं थैंक यू जॉन आपसे बात करके अच्छा लगा ओके थैंक यू हमारे साथ यहाँ असम से तुलिका भी खड़ी है हमारे साथ आप देख सकते होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कपड़ों पे हैंडलूम का कपड़ा है जो कि जिसपे हाथ से नक्काशी की हुई है तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत की इन कपड़ों पे और मार्केट में इन कपड़ों को आखिर कितना इंपॉर्टेंस मिलता है स्वागत है मैम आपका मैम ये जो कपड़े हैं ये हाथ से सारे बने हुए हैं हाँ हम लोग का वेभर्स है वेभर्स से बना के हम लोग ये ऐसे करते हैं सेल करते हैं अच्छा तो मैम क्या क्या वैरायटी है इसमें हाँ हमारा तो ये साड़ी है और मेखला चादर इस ये मेखला चादर है और ये साड़ी है और मफलर्स भी है और बेबीज़ के लिए ये जैकेट भी है अलग अलग सामान है अच्छा तो मैम इन सब की रेंज क्या है कहाँ से रेंज तो अलग अलग है कमती रेंज से लेकर सिल्क का भी बनता है हम लोग का सिल्क का तो रेंज ज़्यादा है
लेकिन ये कॉटन और जो थोड़ा सिंथेटिक टाइप का है वो थोड़ा कम थी रेंज में आएगा। मैम सिल्क महंगा है तो लोग इसको खरीदते हैं जो कि हाथ से बना हुआ कपड़ा है। हम लोग तो मेहनत करके बनाता है ना, हम लोग खुद बनाता है मेहनत करके, तो वो तो खरीद ही लेगा। और आसाम का सामान ऐसे ही बहुत सुंदर दिखता है, उसका ये जो बनाया है हम लोग हाथ से, देखो कितना सुंदर लग रहा है अभी। हाँ यस मैम ये बहुत सुंदर है। ठीक है धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। अभी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं बीटू जो कि असम से हैं। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि लकड़ी बैम्बू, खासकर बैम्बू से यहाँ पे बनाया हुआ है, हेयर पिन से लेके ट्रे से लेके आप भगवान की नकाशी भी देख सकते हैं जो लकड़ियों पर उगेरी हुई है, कप ये सब देख सकते हैं। ये सब यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं ये हाथ से बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं हमारे भारत की पहचान नेशनल एंथम जिसको बोलते हैं निशान यहाँ पे बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है ये हाथ से बनाई हुई हैं। हम जानते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, तो आइए जानते हैं बीटू से कि इन्होंने ये कैसे बनाया। स्वागत है आपका। तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो सारी रखी हुई चीज़ें हैं, यहाँ ट्रे है या फिर हेयर पिन है, तो ये सब आपने कैसे बनाया? अच्छा मैडम जी, वो बनाने में बहुत टाइम लगता है इसमें, और जो मटेरियल है मेटेरियल वो कभी कभी जो साइज में नहीं मिलता है सब जगह, इसलिए उस बनाने में तो पड़ता है, बाकी तो सब ठीक ही है। तो आप कारीगर रखते हैं बनाने के लिए या फिर आप? खुद ही बनाता हूँ और कारीगर भी है हमारे साथ काम करने के लिए। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं ये ट्रे है। तो इसको बनाने में अगर हम ये ट्रे देखें, आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रे है ये पूरी की पूरी बैम्बू से बनी हुई है, ये देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है हमें। तो अगर हम जाने कि ये ट्रे जो है इसे बनाने में कितना टाइम लगता है, ये कितने टाइम की मेहनत है? ये टाइम के बारे में मतलब ये बनाने में मैडम 3 दिन लगता है, एक दिन ये लकड़ी काटने के लिए बैम्बू, और दिन एक सुखाने में टाइम लगता है, और एक पेंट करने के लगता है, और एक फिनिशिंग में लगता है, लगभग 4-5 दिन पूरा के पूरा पूरे होने के लिए 4-5 दिन लग जाता है। तो आप इसमें मशीनों का भी मशीनों की भी मदद लेते हैं या फिर ये पूरी हाथ की कारीगरी? पहले तो पूरी हाथ की कारी है, और आजकल थोड़ा थोड़ा वो पेंटिंग वगैरह करने के लिए कुछ मशीन ऐसा है। आपके स्टॉल पर जो ये रखा हुआ है इसमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, आपने इसे कैसे बनाया? हाथ से कटा हुआ है लकड़ी, और जो पेंटिंग करने के लिए मशीन है, पेंटिंग करने की मशीन है। और मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे भगवान की भी जो तस्वीर होती है उसको नकाशी करने में आगे लगाया हुआ था, तो वो कैसे आप? वो तो लकड़ी के बना के उसका वो जो फोटो है, फोटो चिपका के वो सेट में लकड़ी के बना हुआ है। हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो चाय छानने वाले जो छलनी जिसे हम बोलते हैं वो भी यहाँ पे बैम्बू की बना के रखी हुई है। तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि असम में जो ट्रेडिशनल वे होता है वो ऐसे, जैसे हम लोग तो प्लास्टिक ही आजकल मार्केट में प्लास्टिक का ही आ गया है, तो आज भी असम में वही यूज होता है? आज यही यूज नहीं करते, लेकिन पुराना जमाना में ये सब यूज होता है, होता था, आज वहाँ पे ये यूज नहीं होता है, पूरा यूज नहीं होता है, लेकिन गाँव में कभी कभी ऐसे भी यूज आजकल भी होता है। अच्छा, तो मशीनों की बनाई हुई जो सामग्री होती है जो आज हम बाजार में हर जगह प्लास्टिक के देख रहे हैं, तो उसकी मार्केट ने इसको कितना दबा दिया है, हाथ से बनाई हुई कारीगरी को उसके मार्केट ने कितना दबा दिया है? दबा दिया है, लेकिन जो हाइजीनिक है वो आजकल पूरी रिटर्न हो चुका है अभी, लेकिन क्या है मतलब प्लास्टिक को शोर के लोग आजकल ये चीज़ क्या करता है, हार्ट कटा है ये चीज। तो आपको इन ये सारी चीज़ें जो आप बेचते हैं तो आपको इसमें प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट आजकल कम होता है, सब चीज़ का दाम ज़्यादा होता है, कालर का दाम है, और ऐसे के लिए और जो लेबर है लेबर उसका भी रेट ज़्यादा है, इसलिए प्रॉफिट तो थोड़ा कम है। कहते हैं हमारा देश भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, यहाँ पे आपको हर तरह की संस्कृति हर तरह के लोग देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे आप जम्मू कश्मीर जाए या गुजरात जाए या तमिलनाडु जाए या असम जाए,
यहाँ पे हर तरह की परंपराएं मौजूद हैं, इसलिए इसे विविधता में एकता का देश कहा जाता है।